भगवान करे कि उनको न्याय मिले। दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना दे रही पहलवानों को सुल्तानपुर से सांसद मेनका गांधी का साथ मिला है। मेनका गांधी ने कहा है कि उनको ये देखकर अच्छा नहीं लग रहा, वो चाहती हैं कि पहलवानों के साथ न्याय हो। अफसोस की बात, भगवान करे कि उनको न्याय मिले। भाजपा के सीनियर नेता ब्रजभूषण सिंह पर आरोप होने के चलते पार्टी के ज्यादातर नेता इस पर बोलते नहीं दिख रहे हैं। बीजेपी सांसद मेनका गांधी से उनके संसदीय क्षेत्र सुल्तानपुर में इस पर सवाल हुआ तो उन्होंने खुलकर जवाब दिया। मेनका गांधी ने कहा कि रेसलर्स का धरने पर बैठना बहुत अफसोस की बात है, मैं भगवान से प्रार्थना करती हूं कि उन्हें इंसाफ मिले। भारतीय जनता पार्टी महिलाओं का बहुत सम्मान करती है, आप भी महिलाओं का बहुत सम्मान करती हैं, ऐसे में मेडल लाने वाली महिलाएं वो आज धरने पर बैठी हैं, क्या कहेंगी इसको लेकर? अफसोस की बात, भगवान करे कि उनको न्याय मिले। दरअसल मेनका गांधी इन दिनों अपने संसदीय क्षेत्र के दौरे पर हैं। निकाय चुनाव के मद्देनजर वे भाजपा प्रत्याशियों के समर्थन में नुक्कड़ सभाएं कर रही हैं, लोगों को भाजपा की उपलब्धियां गिना रही हैं। प्रचार के बाद जब पत्रकार ने सांसद मेनका गांधी से सवाल किया कि भारतीय जनता पार्टी महिलाओं का सम्मान करती है, आप स्वयं महिलाओं का सम्मान करती हैं, लेकिन मेडल लाने वाली महिलाएं धरने पर बैठी हैं, तो मेनका गांधी ने कहा कि बहुत अफसोस की बात है, भगवान करे कि उन्हें न्याय मिले। भारतीय जनता पार्टी महिलाओं का बहुत सम्मान करती है, आप भी महिलाओं का बहुत सम्मान करती हैं, ऐसे में मेडल लाने वाली महिलाएं वो आज धरने पर बैठी हैं, क्या कहेंगी इसको लेकर? अफसोस की बात, भगवान करे कि उनको न्याय मिले। वैसे इससे पहले आपको बता दें कि कई बार कई मुद्दों पर वरुण गांधी भी अपनी सरकार के खिलाफ सवाल खड़े कर चुके हैं और अब मेनका गांधी ने भी अपनी ही पार्टी के नेता के खिलाफ जाकर खिलाड़ियों का समर्थन किया है। वैसे बीजेपी के कई सीनियर नेता ब्रजभूषण पर बोलने से बचते नजर आते हैं। आपको बता दें कि विनेश फोगाट, साक्षी मलिक समेत कई नामी पहलवान भाजपा सांसद और कुश्ती संघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण सिंह की गिरफ्तारी की मांग करते हुए धरने पर बैठे हैं। ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ पहलवानों ने सैकड़ों लड़कियों के शोषण का आरोप लगाया है तो ब्रजभूषण ने इन सभी आरोपों को नकारा है। अफसोस की बात, भगवान करे कि उनको न्याय मिले।